शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पहला अध्याय 28वीं कहानी फके शाही वो बंदगी बर्खास्त चू कजाए नविस्ता आमद पेश यानी मृत्यु के आने पर या मर जाने पर अमीरी गरीबी का फर्क मिट जाता है। एक एकांतवासी फकीर किसी जंगल के कोने में रहता था। बादशाह उधर होकर निकला। एकांतवास संतोष की राजधानी है, इसलिए फकीर ने बादशाह को देखकर न तो मस्तक उठाया और न किसी तरह का शिष्टाचार ही दिखाया। बादशाह को अपने उच्च दर्जे का ख्याल हो गया, इसलिए उसने चिढ़कर कहा, ऐसे चित्तड़फरोश फकीर जंगली जानवरों के समान होते हैं। बादशाह के वजीर ने फकीर से कहा, इस दुनिया का बादशाह जब तुम्हारे पास होकर निकला तब तुमने उसका आदर सम्मान क्यों ना किया? आदर सम्मान तो आदर सम्मान, तुमने उसका साधारण शिष्टाचार भी नहीं किया। फकीर ने जवाब दिया, दुनिया के बादशाह से कह दो कि वह अपनी खुशामद की उम्मीद उसी शख्स से करे जो उसे कुछ उपकार चाहता है, और उससे यह भी कह दो कि बादशाह अपने प्रजा की रक्षा के लिए है, न कि प्रजा बादशाह की सेवा के लिए है। भेड़े गडरियों के लिए नहीं होती, किंतु गडरिया भेड़ों की खिदमत के लिए होता है। आज तुम किसी को आनंद चैन करते हो और किसी को संतप्त हृदय से मेहनत मजदूरी करते हुए देखते हो, लेकिन चंद रोज में ही कमंडियों का दिमाग मिट्टी में मिल जाएगा। जिस समय किस्मत का कौल पूरा हो जाता है उस वक्त मालिक और नौकर में भेद नहीं रहता। अगर कोई शख्स कब्र खो दे तो वह यह न कह सकेगा कि यह अमीर है और वह गरीब है। फकीर की बात का बादशाह पर खूब असर हुआ। उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? फकीर ने जवाब दिया, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मुझे फिर कभी ऐसी तकलीफ न दी जावे। बादशाह ने कहा, मुझे कुछ उत्तम उपदेश दीजिए। फकीर ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो तब इस बात का ख्याल रखो कि धन और राज्य एक के पास से दूसरे के पास चले जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धनवान और शक्तिमान पुरुष को अभिमान न करना चाहिए और गरीब लोगों को नफरत की नजर से न देखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की छुटाई बड़ाई उसी समय तक है जब तक प्राण नहीं निकलते। मरने पर शमशान में सभी समान हो जाते हैं। शमशान भूमि में राजा प्रजा अमीर गरीब दाता भिखारी सबकी खाक एक हो जाती है। वहां ऊंचाई निचाई कुछ नहीं रहती, इसलिए इस बिजली की सी चमक के समान चंचल जीवन और धन ऐश्वर्य पर अभिमान करना वृथा है। कहानी समाप्त।